वेलकम स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ महादेव गोविंद रानाडे। ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में, जब इंडिया कॉलोनियल पीरियड के अंदर इंडिया ब्रिटिश के अंडर में था, तो उस समय ये इंडिया के मेन जो ब्रिटिश के अंडर मेन टाइम ब्रिटिश पीरियड में यहाँ पे जस्टिस जो कोर्ट है उसके जस्टिस थे, और एक तरीके से सोशल हेल्पर सोशल रिफॉर्मर भी इनको माना गया है। और इन्होंने अपने बहुत सारे कुछ ऐसे आइडियाज़ दिए हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़, इकोनॉमिक आइडियाज़ दिए हैं, तो इनके इकोनॉमिक आइडियाज़ के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। महादेव गोविंद रानाडे जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में बहुत ही इम्पैक्टफुल इंसान या फिर पर्सन माने गए थे। इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ महादेव गोविंद रानाडे, सबसे पहले मेथड के बारे में बात करिए। इन्होंने इंडक्टिव मेथड को ज़्यादा, या हिस्टोरिकल मेथड जिसमें फैक्ट एंड फिगर हिस्टोरिकल रूप से है, उनको इन्होंने इम्पोर्टेंट माना है। दैट इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट मेथड किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इंडक्टिव मेथड और हिस्टोरिकल मेथड बेस्ट होता है। इन हिज वर्ड, द मेथड to be followed is not the directive but the historical method which take into account past in its forecast of the future. historical method और अगर देखा जाए तो inductive method पे इसलिए इन्होंने ज़्यादा जोर दिया क्योंकि इनके according future को समझने के लिए, forecasting करने के लिए past के experience बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि past के point जो है वो inductive method ही यहाँ पर बताते हैं। एक relativity, एक कम्प्लीटली जो फ्यूचर के बारे में बता सके, फ्यूचर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हेल्प कर सके, उन चीज़ों को लेकर पास्ट का बहुत ज़्यादा जरूरी फैक्ट एंड फिगर होना जरूरी है। तो इस चीज़ को ही तो उन्होंने बताया है कि पास्ट का डेटा होना ज़्यादा जरूरी है। फ्यूचर रिलेटिविटी एंड नॉट एब्सोल्यूटनेस कैरेक्टराइज्ड द कंक्लूजन ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। तो इन्होंने पॉइंट में भी ये बता रखा है कि इकोनॉमिक साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कैरेक्टरिस्टिक्स, कंक्लूजन तक अगर आपको पहुंचना है किसी भी प्रॉब्लम की इकोनॉमिक जो है, तो वहाँ पे आपको इंडक्टिव मेथड यूज़ करना है जिसमें पास्ट के डेटा को भी, पास्ट के फैक्ट एंड फिगर को भी एनालाइज करा जाता है। ही सेड दैट देयर आइडियाज़ फॉर एप्लीकेबल टू ओनली टू स्टैटिक सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जो डायनामिक नहीं है, स्टैटिक फॉर्म में, उन्हीं के ऊपर इनके आइडियाज़ अप्लाई होते हैं। He held a view that in India institutions like family and caste were more powerful than individual in the determination of his economic position. ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट बताया उन्होंने कि इंडिया के अंदर ऐसी स्थिति है कि फैमिली एंड कास्ट सिस्टम या इंस्टीट्यूशन सिस्टम मोस्ट पावरफुल है इंडिविजुअलिज्म से। इंडिविजुअलिज्म इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि फैमिली कंसेप्ट, कास्ट कंसेप्ट और इंस्टीट्यूशन कंसेप्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, एक ऐसा कंट्री है जो सब रिलीजन को, सारे कल्चर को अडॉप्ट करता है। तो यहाँ पे इन्होंने, इनका जो व्यू है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है कि इंडिविजुअलिज्म का डिटर्मिनेशन इकोनॉमिक पोजीशन को सॉल्व करने में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा जितना कि फैमिली इंस्टीट्यूशंस या फिर कास्ट सिस्टम या कल्चर सिस्टम या लैंग्वेज सिस्टम इतना इम्पैक्ट डालेगा। तो ये इन्होंने अपने पॉइंट में बताया कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो भी हारमोनी है फैमिलीज़ के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच, इस बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, तो वो सारी एक इम्पॉर्टेंट है जो कंट्री को इकोनॉमिक पोजीशन में आगे ले जाने में हेल्प करती है। तो मेथड में इन्होंने इंडक्टिव मेथड को बेस्ट बताया, और इन्होंने इंडिया की सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी को इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया है। इकोनॉमिक एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने पॉइंट कुछ दिए हैं। रानाडे एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक एजुकेशन इन द प्रमोटिंग द वेल्थ ऑफ ए नेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बताइए है कि इकोनॉमिक एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे कि हर कंट्री में फॉलो करा जाता है कि हर कंट्री में स्टूडेंट्स को या फिर लोगों को इकोनॉमिक एजुकेशन दी जाती है। इकोनॉमिक एजुकेशन का इम्पैक्ट ये होगा कि अगर नेशन में इकोनॉमिक एजुकेशन मिलेगी तो इंडिविजुअल या फिर पर्सन या फिर हाउस होल्ड वेल्थ को क्रिएट करने पर ध्यान देंगे, वेल्थ को क्या वेस्टेज जो होगा वो ख़त्म करेंगे, और वेल्थ से जितना ज़्यादा
यूटिलाइजेशन होगा उसको यहाँ पे ध्यान देंगे। तो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई कि इकोनॉमिक एजुकेशन होना ज़रूरी है जिससे हमारी कंट्री की वेल्थ तेज़ी से बढ़े। ही सेड द नेशंस इकोनॉमिक एजुकेशन इज ऑफ फार मोर इम्पोर्टेंस दैन द प्रेजेंट गेन ऑफ इंडिविजुअल मेम्बर्स एज़ रिप्रेजेंटेड बाई द क्वान्टिटी ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पर क्वान्टिटी के बारे में नहीं जबकि क्वालिटी के बारे में ध्यान देने की बात करी कि वेल्थ का हमें क्वान्टिटी नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी अगर मिल गई हमें वेल्थ के बारे में पता लगाना, हमें पता चल गया कि वेल्थ किस तरीके से, वेल्थ के बारे में क्वालिटी, एक वेल्थ के बारे में एजुकेशन मिल गई, तो किस तरीके से हम क्वालिटी के साथ क्वान्टिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्होंने दोनों पॉइंट बताया कि क्वालिटी नहीं क्वान्टिटी चाहिए, सॉरी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, जो इकोनॉमिक वेल्थ के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इकोनॉमिक वेल्थ को इंक्रीज करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इनका जो है कि इकोनॉमिक एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट है जो प्रेजेंट गेन को आगे बढ़ाता है। इन्होंने कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में से कॉमर्स और मैन्युफैक्चर को आज के टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया क्योंकि इनकी एजुकेशन, इनका जो रोल मॉडल है वो तेज़ी से बढ़ रहा है कॉमर्स का और टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का, कि इन्होंने इस चीज़ में बताया कि इनमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, इनमें इंटेलिजेंस, इनमें स्किल, इनमें काम आएगी रादर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बेसिकली अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन अगर स्किल की बात की जाए जहाँ पर नॉलेज चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए, एबिलिटी चाहिए, वहाँ पर कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग में इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक एजुकेशन की बात कही है। इससे क्या होगा, यहाँ पे इस एरियाज़ में कंट्री का तेज़ी से डेवलपमेंट होगा, वर्कर्स वर्क करेंगे और वर्क करके आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। रानर्ड हेल्ड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनॉन एंड इट हैड मैनी इंटर रिलेटेड कॉजेज, इट वॉज कनेक्टेड विद इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली अगर देखा जाए तो हर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अच्छे होंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन अच्छे होंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अच्छे होंगे, उतना ज़्यादा इनमें हारमोनी कोऑर्डिनेशन बनेगा डिपार्टमेंट में, लेवल्स में, और जब जब इनमें हारमोनी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़ेगा, कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। तो इस पॉइंट पे इन्होंने अपने बात बताई है। दस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि इन्होंने बताया कि इंडिया की इकोनॉमी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन पर निर्भर है। इट वॉज अ ड्यूली ऑफ द स्टेट टू डायरेक्ट एंड चैनलाइज एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन टूवर्ड अ वेल डिटरमाइंड गोल। इसलिए इन्होंने इनके बारे में बताया कि इनके जो गोल्स होते हैं प्लानिंग करने के बाद, जो इनके गोल्स होते हैं प्रॉपरली किस तरीके से कंट्री को ग्रोथ की तरफ ले जाए, जनरल इंटरेस्ट को बढ़ावा दे, कंट्री को आगे ले जाने के लिए हेल्प करे, तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बताया कि ये चीज़ अगर होगी कंट्री में, ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे तो सारे इंस्टीट्यूशन अपने आप, सारे जो इंडिविजुअल्स है उनका तेज़ी से ग्रोथ होगा जब वो कंट्री के ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे। तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ से होता है, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्होंने बताया कि कंट्री के अंदर तेज़ी से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेक्टर का डेवलपमेंट होने के बाद कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। रानर्ड सेड द स्टेट इज मोर नाउ मोर एंड मोर रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल ऑर्गन फॉर टेकिंग केयर ऑफ नेशनल नीड्स in all matters in which individual and cooperative efforts are most likely to be so effective and economical as national effort. इसलिए इन्होंने बताया कि स्टेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल नीड इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअल नीड सेकेंडरी है, नेशनल नीड इम्पॉर्टेंट है, नेशन के लिए जो ग्रोथ वाले वर्क है वो सारे करने चाहिए। इससे क्या होगा, इंडिविजुअल का और कोऑपरेटिव एफर्ट दोनों का डेवलपमेंट होगा और इनके एफर्ट जो हैं वो वेस्ट भी नहीं जाएंगे। इसलिए इफेक्टिव और इकोनॉमिकल नेशनल एफर्ट लगाकर नेशन को आगे ले जाने की बात इन्होंने बताई है। नेशन फर्स्ट की इन्होंने बात अपने व्यू पॉइंट में दी है और इन्होंने ये कहा है कि हर चीज़ को एक ऑर्डर और पीस से अगर हम लेकर चलेंगे तो हमारे कंट्री का तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। तो इन्होंने नेशनल नीड
जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं, नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, उन पॉइंटों पे ध्यान देने की बात करी है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टैक्स प्लानिंग हो गया, एक्सपेंडिचर प्लानिंग हो गया, या फिर अदर पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने ध्यान देने की बात कही है। टू रेलीगेट डैम टू द सिंपल ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इज टू इसराइली टू डिप्राइव द कम्युनिटी ऑफ मैनी ऑफ एडवांटेजेस ऑफ सोशल यूनियन। इससे सोशल यूनियन की इन्होंने बात कही है, सोसाइटी में यूनियन क्रिएट होगा, कम्युनिटी क्रिएट होगी, एक पीस एक ऑर्डर रहेगा, तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से होगा। तो इस चीज़ पर इन्होंने बात ध्यान देने की कही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कि नेशनल इश्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल इश्यूज़ से। नेशनल इश्यूज़ पे ध्यान दें, ग्रोथ तेज़ी से होती जाएगी कंट्री की भी और कंट्री के लोगों की भी। इसके बाद इन्होंने पॉवर्टी के बारे में बताया, जो इंडिया में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया पॉवर्टी के बारे में, कि जो पॉवर्टी है वो ब्रिटिश रूल से पहले आ रही है। अगर देखा जाए दत्त, आरसी दत्त और जो अदर इकोनॉमिस्ट हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ब्रिटिश टाइम पीरियड से पॉवर्टी हमारी कंट्री में आई है, जबकि जो महादेव गोविंद रानाडे, इनका बिलीव था कि पॉवर्टी का जो सेक्शन है वो तेज़ी से इंडिया में ब्रिटिश रूल से पहले आया है, क्योंकि इंडिया की जो पास्ट जनरेशन है वो बाहर के विदेशी रूलों से, जैसे कि पहले ब्रिटिश से पहले हमारी कंट्री में जो मुसलमान थे या फिर अलग अलग मुग़ल शासन रहा है हमारी कंट्री में, तो उनके कारण भी हमारी पास्ट जनरेशन को पॉवर्टी झेलनी पड़ी है, और वो ही पॉवर्टी धीरे धीरे हमारी कंट्री में फॉरेन रूल के आते ब्रिटिशर्स के आते और तेज़ी से बढ़ गई। तो इन्होंने एक तरीके से क्या कहा है कि ब्रिटिश रूल के अंदर इन्होंने मास पॉवर्टी का जो पॉइंट है ब्रिटिश रूल में वो इन्होंने इग्नोर कर रहा है, ब्रिटिश रूल के बिफोर इन्होंने पॉवर्टी का एक रीज़न माना है जो कि पहले के जनरेशन में थी। एक बात इन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर पे ओवर डिपेंडेंस भी पॉवर्टी का कारण है, इंडस्ट्रीज़ का ना होना बैकवर्ड स्टेट में, क्रेडिट फैसिलिटी का ना होना और डिफेक्टिव लैंड पॉलिसी भी मेन जो है वो पॉवर्टी का रीज़न है किसी भी कंट्री में, और इंडिया में स्पेशली इन्होंने ये बात बताई है। सो इन्होंने क्या पॉइंट बताया, द अकॉर्डिंग टू रानाडे द मेन कॉसेस ऑफ फॉर पॉवर्टी वर द प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, बैकवर्ड स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी एंड डिफेक्टिव लैंड पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, और एक तरीके से इन्होंने ये बताई है कि एग्रीकल्चर के अलावा बाकी एक्टिविटी का ना होना और बहुत कम होना भी एक तरीके से पॉवर्टी सबका इशू क्रिएट करता। तो इन्होंने अपने पॉइंट में ये बातें भी बताई है। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर वाज ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। और हमारे ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना और एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल को इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट करना, इस कारण से भी यहाँ पे इंडिया में ग्रोथ नहीं हो पाई और पॉवर्टी बढ़ी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे इंग्लैंड में, वहाँ से फिनिश गुड बनाकर वापस इंडिया में बेचते थे, तो बहुत बड़ा नुकसान होता था इंडिया के लोगों के द्वारा। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल का यूज़ ना होना ये भी एक पॉवर्टी का बड़ा रीज़न आया है। सेकेंडली, इंडस्ट्रीज़ वर इन बैकवर्ड स्टेट ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू फेस द सीवियर फॉरेन कॉम्पिटिशन। थर्डली, द क्रेडिट सिस्टम वॉज हाईली अनऑर्गनाइज एंड बैंकिंग फैसिलिटी वर इनएडिक्वेट। कुछ इन्होंने बातें बताई है, बैकवर्ड स्टेट के अंदर फॉरेन कॉम्पिटिशन के कारण इंडस्ट्रीज़ का बंद होना, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट ना होना, बैकवर्ड स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना, तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो पॉवर्टी के मेन कारण हैं इंडिया में, जो इन्होंने बताया है। थर्डली, क्रेडिट सिस्टम वॉज हाईली अनऑर्गनाइज। क्रेडिट सिस्टम का एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी अच्छी नहीं थी इंडिया में, वो सारी रीज़न है इंडिया में पॉवर्टी के। और ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा माना गया है कि कुछ ऐसे रीज़न है जो इंडिया में पॉवर्टी के है, जिनमें जो मेन मेन इन्होंने बताया है कि अनऑर्गनाइज सिस्टम, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, डिफेक्टिव लैंड पॉलिसी, हाईली रेवेन्यू चार्ज करना जो आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी मध्यस्थ लोग है, लाइजनिंग पर्सन है वो ज़्यादा हाईली रेवेन्यू चार्ज करते हैं, टैक्स सिस्टम ज़्यादा होना, टैक्स सिस्टम में ज़्यादा टैक्स लेना कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, और इंडस्ट्रीज़ का बैकवर्ड फेस में आना,
और एग्रीकल्चर पे प्री डोमिनेंट होना, तो वो सारी चीज़ें इनके द्वारा बताई गई है जो मेन पॉवर्टी का रीज़न है इंडिया में। तो इनके द्वारा कुछ इकोनॉमिक आइडियाज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस करे, जिसमें से हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एजुकेशन, पॉवर्टी और मेथड एंड स्कोप की बात करी है, जो इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा दिया गया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें एंड वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।